दोस्तों नमस्कार, आपका विमला देवी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे राधा अष्टमी व्रत कथा। यह कब है? भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष को अष्टमी को यानी अष्टमी तिथि को कृष्ण प्रिया श्री राधा जी का जन्म हुआ था। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष में श्री राधा अष्टमी व्रत कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। जो राधा अष्टमी व्रत करते हैं उनको यह कथा सुनना चाहिए, इसलिए यह दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रती रहकर व्रत रखकर राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पहले राधा जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें, फिर भोग लगावे तथा धूप दीप फूल आदि से आरती उतारे। इस प्रकार व्रत रहने एवं पूजा करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और उसका परलोक भी सुधर जाता है। धन धान्य और सुख सुविधाएं उसके घर में संपन्न होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन